नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज में और आपके साथ मैं करीना भट्ट। उत्तराखंड में होने वाली विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा मां नंदा राजनाथ यात्रा विश्व भर में प्रसिद्ध है। हिमालय की पुत्री मां नंदा शिव की अर्धांगिनी है और कैलाश शिव का वास स्थान है। मान्यता है कि एक बार मां नंदा अपने मायके आई थी और किन्हीं कारणवश वह 12 वर्षों तक अपने ससुराल नहीं लौट पाई, जिसके बाद 12 वर्षों के बाद जब मां नंदा अपने ससुराल लौटी तो मायके की ओर से उन्हें आदर सत्कार के साथ विदाई दी गई, जो कि एक भावुक विदाई थी। तब से लेकर ये मान्यता प्रचलित है और हर 12 वर्षों में मां की एक यात्रा निकाली जाती है जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग भी संस्कृति को महत्व देते हैं और इन कथनों पर नए नए गीतों की रचना करते हैं। अब इस कड़ी में एक नया गीत रिलीज हुआ है, नंदा भवानी, जो कि दर्शकों के बीच काफी वायरल हो रहा है। बता दें, युगल गीतों के साथ फोक की गहरी समझ रखने वाले दर्शन फर्सवान और विवेक नौटियाल ने मां नंदा के जन्म से लेकर राजजात यात्रा का वर्णन अपने नए गीत नंदा भवानी के माध्यम से किया है, जो कि दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। साथ ही इस गीत को लिपिबद्ध खुद विवेक नौटियाल के द्वारा किया गया है। वहीं इस गीत का संगीत राकेश भट्ट के साथ पवन गुसाई के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि दर्शकों के बीच लोकप्रिय रहा है। बता दें, इस पूरे म्यूजिक वीडियो में दोनों गायक मां की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। साथ ही पूरे म्यूजिक वीडियो में उत्तराखंड की संस्कृति, परिधान और परंपरा का वर्णन देखने को मिल रहा है, जो कि एक आकर्षक नजारा है। और इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वास्तव में ये गीत कितना प्यारा है और यह जरूर दर्शकों के बीच वायरल होगा। बता दें, चमोली जिले की चांदपुर पट्टी को मां नंदा का मायका और बदाणगढ़ को मां नंदा का ससुराल माना जाता है। 280 किलोमीटर की 20 दिवसीय पैदल यात्रा एशिया की सबसे लंबी यात्राओं में से एक है। साथ ही आपको बता दें, हर साल भाद्रपद के महीने मां नंदा की एक लघु यात्रा भी होती है, जो कि इस वर्ष प्रारंभ हो गई है। और गायकों ने भी मां नंदा की भक्ति में अपने नए नए जागर भजनों को रिलीज करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में दर्शन फर्सवान और विवेक नौटियाल का नया गीत भी रिलीज हो गया है, जो कि दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। साथ ही आपको बता दें, इससे पहले भी गायक दर्शन फर्सवान ने मां नंदा का भजन जारी किया था, जो कि दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहा है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बेहद जल्द मुलाकात होगी एक ऐसी खबर के साथ। लेकिन इससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मां नंदा भवानी का ये गीत कैसा लगा।